एक सुनियोजित साजिश के तहत एक प्लान्ड वे में शिक्षकों को प्रताड़ित करना शुरू किया। और इस प्रताड़ना के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो बर्खास्तगी का दौर शुरू कर दिया गया। आज कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं हमारे गले में जो है यह हमारी बर्खास्तगी का मेडल है। अगर मैं सेना में होता तो परमवीर चक्र प्राप्त कर सकता था। शिक्षक हूँ तो शिक्षक रहते हुए ये मेडल नहीं मिल सकता है, लेकिन हमें गर्व है। अगर यह सरकार यह समझती है, शिक्षा विभाग के घोटालेबाज पदाधिकारी अपने आप को यदि यह समझते हैं कि बर्खास्त करके हम इसकी आवाज दबा देंगे, तो यह गफलत में नहीं रहे। बर्खास्तगी का पत्र हमारे लिए परमवीर चक्र के समान है और यह मेडल लेकर हम पूरे बिहार में घूमेंगे और बिहार के आम आवाम को बताएंगे कि यह सरकार में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है। हमने कौन सा ऐसा गलत शब्द बोला था, हमने कौन सी ऐसी बात असंवैधानिक बात कह दी जिसके कारण हमारी बर्खास्तगी हुई। हम बिहार के आम आवाम को बताएंगे कि सच बोलने के कारण हमें बर्खास्त किया गया है और इस सरकार को औकात बता देंगे। नीतीश कुमार की नींद उड़ा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपके शिक्षा मंत्री सदन के अंदर बोलते हैं, जब आप ही के सत्ताधारी दल के लोग जब आवाज उठाते हैं कि यह जो बैग है यह गांव गरीब के बच्चों को बैग देने के नाम पर, ये जो के पाठक मिस्टर मोगैम्बो, ये जो बैग के नाम पर जो शिक्षकों के साथ बच्चों के साथ समाज के साथ जो कृत्य किया है, ये इनके ईमानदारी का स्मारक है। ये 50 रुपए का भी बैग नहीं है, यह बैग ऐसा कोई भी बैग एक गरीब मनरेगा का मजदूर रिक्शा पुलर भी अपने बच्चे के लिए ऐसा बैग नहीं खरीदता है। अगर हमने कहा कि यह बैग घोटाले का प्रतीक है, हमने यह कहा कि यह 50 रुपए का बैग है और इसका भाव कर अगर आप 1000 का बना रहे हैं, 500 का बना रहे हैं या 1200 का बना रहे हैं, तो यह घोटाला है या नहीं? और घोटालेबाज को घोटालेबाज कहता रहूंगा। और मैं मिस्टर मोगैम्बो को चुनौती देता हूँ और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के आला अधिकारियों को चुनौती देता हूँ कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमें जेल में डालो। पूरे बिहार के लोग सड़क पर उतर जाएंगे और ये जो घोटाला हो रहा है इसका भंडाफोड़ होगा। ये घोटालों को छिपाने के लिए और आपने हम पर कार्रवाई की है, हम इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। और बिहार के अपने तमाम शिक्षकों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम वो नहीं है कि पीछे हट जाएंगे। हमारी जो लड़ाई है सच के लिए, हमें गर्व है कि हमने शिक्षकों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमने अपनी नौकरी कुर्बान कर दी है। जान भी कुर्बान करना होगा तो कर देंगे। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, ये शिक्षा विभाग के अधिकारी और मुजफ्फरपुर का डीओ अजय कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर का कलेक्टर, ये सब मिलकर यह घोटालेबाजों से मिलकर मेरे हत्या की साजिश रचा और ये सभी ने मिलकर हमारा मुख्यालय सकरा बनवाया जो नियम विरुद्ध था। और सकरा मुख्यालय बनवा करके ये लोग चाहते थे कि वहाँ पर आते जाते इसकी हत्या करा दे और मेरी जान लेना चाहते थे। और मेरी जब जान नहीं ले सके तो मेरी नौकरी ले लिए, हमें इसकी परवाह नहीं है। बिहार के 6 लाख शिक्षक हमारे परिवार की हिफाजत के लिए तैयार हैं, लेकिन घोटाले वालों को जेल भिजवाना होगा। मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से कि 1 सप्ताह के अंदर ये कार्रवाई वापस हो और जो घोटाले हुए हैं इसकी निष्पक्ष जाँच हो, CBI से इसकी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि आपका कलेक्टर घुसखोर है, आपका पदाधिकारी चोर है और ये सब मिलकर बंदर बांट कर रहा है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि भाउचर की जांच कराओ। यहाँ के पंचायती राज के जो मंत्री हैं आदरणीय केदार गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि भाउचर की जांच कराओ। भाउचर की जांच क्यों नहीं हो रही है? जब एक शिक्षिका आरोप लगाती है कि निजी जमीन में समरसेबुल गार दिया गया, मैं भाउचर पर दस्तक नहीं की हूँ, उसका भुगतान कैसे हुआ, इसकी जाँच क्यों नहीं हो रही है? पूरा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को हम लोग उजागर करके रहेंगे और ये पदाधिकारियों को जेल भेजना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी, आपने कहा कि सारे पदाधिकारी भ्रष्ट नहीं है, सभी जगह गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है, सेलेक्टर तो बता दीजिए। मैं शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील बाबू को मैं चुनौती देता हूँ कि आप कोई एक जिला बता दीजिए जहाँ का पूरा सिस्टम ईमानदार हो। मेरे साथ चलिए, अगर हमने आपको उन लोगों के चोरी का करतूत अगर भंडाफोड़ करके नहीं रख दिया और वहाँ पर करोड़ों का घोटाला नहीं साबित कर दिया तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे फांसी पर टांग दीजिएगा या मैं चुनौती देता हूँ। पूरे राज्य में घोटाले हुए हैं, आज पूरे प्रदेश से हमारे जिले से सारे साथी आए हैं और जो लोग नहीं भी आ सके हैं और उनकी संवेदना है, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। और हमारे साथी यहां पर बड़े भाई हमारे शिक्षक नेता आदरणीय केशव जी यहां पर हैं, हमारे शिक्षक नेता बड़े भाई क्रांतिकारी साथी प्रमोद यादव जी यहां पर हैं। ये सभी लोग आकर हमारा उत्साहवर्धन किए हैं
और इन सभी लोगों ने साथ सहयोग देने का वादा किया है। शेष बात मैं चाहूंगा कि हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, इन लोगों से ही बात कीजिए, बिहार के तमाम क्रांतिकारी साथियों को और आप मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मोगैम्बो ईमानदार बनकर आया था उसके चोरी की चर्चा अब घर घर में हो रही है, सदन में हो रही है। सर माननी चाहिए घोटालेबाज पदाधिकारियों को जेल भिजवाने के लिए, सड़क पर हम लोग उतरेंगे, शेष हमारे नेता लोग बताएंगे। आदरणीय हमारे बच्चों के साथ जो हुआ अन्याय हुआ, बैग घोटाला, बेंच घोटाला, इसको कैसे आप लोग सही करवाएंगे ये बताइए। घोटाला जो हो गया वो सही क्या होना है, यह सत्ता संरक्षित घोटाला था। इसका कमीशन नीतीश कुमार को ही मिला है, अगर नीतीश कुमार को कमीशन नहीं मिला है तो जांच क्यों नहीं हो रही है। और ये जो घोटाला हुआ है ये बच्चा के नाम पर, प्रीफैब स्ट्रक्चर के नाम पर, ये टीना के कमरा में बच्चे की पढ़ाई होती है। गरीब के बच्चा को ये 46 डिग्री टेम्परेचर पर टीन के क्लासरूम में पढ़ाना चाहते हैं। ये गरीबों के बच्चों के साथ भद्दा मजाक है। के पाठक के अगर उसके पास औलाद है तो वह 2 घंटा अपने बच्चे को टीना के कमरा में रख कर बता दे, वह 3 घंटा खुद बैठ करके बता दे। ये टीना के कमरा में वहाँ पर जानवर भी नहीं रखे, अब मर जाएगा वो। और आप इंसान के बच्चे को पढ़ाने चले हैं, क्या पढ़ाई नहीं है? वह पूरा का पूरा लूट है। यह 1 लाख का भी योजना नहीं था, उसको 5 लाख का भाउचर बनाया गया। गोविंद खड़े काके लागो पाओ बलिहारी गुरु, आपने गोविंद जी बताए, शिक्षक के साथ शिक्षा विभाग के साथ ऐसा हो रहा है तो आने वाली पीढ़ी बच्चों के साथ क्या होगा ये बताइए। यह गुलाम बनाने की साजिश है। या शिक्षकों को जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है और पढ़े लिखे कौम को जिस प्रकार से जूतों तले रौंदने की कोशिश की जा रही है, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कायर और डरपोक होगी। जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है वही जब देखेगा कि हमारा शिक्षक तो हमारा जो पढ़ाने वाला है, शिक्षक को तो बच्चे अपना आइडियल मानते हैं, जब वह देखेगा कि हमारे शिक्षक के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो पदाधिकारी ही बनकर आ रहा है, क्या कोई भी बच्चा जो मेधावी होगा वो शिक्षक बनना चाहेगा? क्या ऐसे वातावरण में कोई बनना चाहेगा? आप जान लीजिए या बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। या शिक्षकों को नहीं सताया जा रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी को डरपोक और कायर बनाया जा रहा है। इससे सतर्क रहना होगा और पढ़े लिखे कौम को आगे आना पड़ेगा। सभी अपने शिक्षक भाइयों बहनों, शुभचिंतकों, स्नेही जनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं आप लोगों से आज वादा किया था कि मुझे यदि पत्र प्राप्त हो जाएगा तो मैं फेसबुक लाइव आऊँगा। विधिवत रूप से मुझे पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु पत्र की प्रति मुझे अन्य माध्यमों से मिल गई है। पूरे बिहार के हमारे चाहने वाले अपनी संवेदनाओं से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए आप सभी साथियों का बार बार फोन आ रहा है। लगातार लोग मेरे आवास पर भी अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे साथ आप सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और निश्चित रूप से जिन्होंने भी मेरी बर्खास्तगी की खबर सुनी वे सभी लोग आहत हैं, मर्माहत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कैमरा ऑन कर, क्या है कैमरा कह रहा है खोलने के लिए, कैमरा नहीं खुला हुआ है। रिंग दिन कैमरा ऑन, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? आप लोग भी फेसबुक पर चेक करके देख लीजिए तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना? तब मतलब आए डिस्टर्ब करते हैं। सभी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मुझे लगता है कि आप सब सुन पा रहे हैं। अनिल यादव जी हमारे अनिल भाई सिवान से हैं, नमस्कार जी, नमस्ते। केशव जी, मोहम्मद अमानुल्लाह जी, पंकज जी, पवन पिंटू जी, विनोद भाई सिवान से हमारे, इनकलाब जिंदाबाद। सभी लोगों का संदेश मैसेज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मेरे साथ आप देखिए, हमारे साथ आप देखिए, इधर लखन भाई बैठे हुए हैं, हमेशा आपके संघर्ष में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, साथ रहते हैं, हनुमान की तरह काम करते रहते हैं। आप इधर देखिए,
इधर राम जन्म भाई हैं, और ये शुरू से आपकी लड़ाई को डे वन से शिक्षा मित्रों की लड़ाई से लेकर के अभी तक लड़ते रहे हैं, पूरी जवानी खपा दी संघर्ष में। आप इधर देखिए, सभी साथी लोग बैठे हुए हैं, लोग आए हैं हमसे मिलने के लिए, और सभी लोग अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर लाल बिहारी भाई बैठे हुए हैं, हमारे सरैया के जाने माने शिक्षक साथी हैं, शिक्षक नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अमरनाथ भाई हैं, अली अकबर भाई हैं, उधर संजीव भारती जी हैं, विनय कुमार चुन्नू जी हैं, सुभाष भाई हैं और नूतन भाई हैं। इधर देखिए काजिम भाई, राकेश